उनसे बात करते हैं इस समय। रामदेव अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रामदेव जी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। आप इस बजट के बाद क्या कोई बहुत बड़ा रुख चेंज होता देख रहे हैं मार्केट में, क्योंकि अभी के लिए तो एटलीस्ट मार्केट थोड़ा मिक्स्ड ही रिएक्शन दे रहा है, नेगेटिव है, 7000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन सबसे खास चीज मार्केट के लिहाज से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है आपका इस बजट से? देखिए बाकी चीज़ें तो जो जितने भी जो फियर थे बाजार में कि कैपिटल गेंस टैक्स आएगा या क्रूड के ऊपर टैक्स आएगा या ये सब चीज़ें नहीं आई, मतलब सर्विस टैक्स बढ़ने की बात थी तो ये सब कुछ भी नहीं आया, दैट वाज वेरी गुड। लेकिन जो ट्रिपल टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड जो है वो अमाउंट तो जितना भी है, मतलब यानी टैक्स ऑन द रिच, तो वो हिसाब से तो ठीक है कि भाई आपने रिच को थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगाया है। लेकिन आप जब वो रिच कौन है, मतलब आप यदि 10 लाख से ऊपर का टैक्सेशन यदि 10% कर रहे हैं तो पहले तो 35% आप टैक्स भरते, 34%, उसके ऊपर से 20% आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, उसके ऊपर आप बोलते हैं 11.5% आपको अभी फर्दर टैक्स देना भरना पड़ेगा, तो ट्रिपल टैक्स तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये टैक्स का होगा क्या कि जो आगे जो पे आउट रेशियोज जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, उससे एक्चुअली माइनॉरिटी शेयर होल्डर को मार पड़ेगा और पी मल्टीपल ऑफ द स्टॉक्स विल सफर। सो मेरे ख्याल से दिस इज द मोस्ट रिट्रोग्रेड स्टेप विच इज नॉट थॉट आउट वेल। मेरे ख्याल से इंटेंट खराब नहीं है लेकिन जिस ढंग से एग्जीक्यूट किया गया है वो मुझे सही नहीं लगता है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट आया कैपिटल पर्टिकुलरली, क्योंकि मेरा फील्ड कैपिटल मार्केट है, इसके लिए मेरे को लगता है कि ये पर्टिकुलर जो बात जो है वो बहुत बड़ी है। बाकी तो जो रूरल फोकस है, जो आपके बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, रीट को उन्होंने ठीक कर दिया है और मतलब काफ़ी अच्छे प्रोविजंस हैं और रेवेन्यू का तो उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं इस साल, थैंक्स टू ऑयल कोलैप्स दे हैव फैंटास्टिक रेवेन्यू बेस एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर आल्सो दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑयल स्टिल रिमेंस एट $35-40। चलिए रामदेव जी एक बार फिर आपके पास आएंगे। इस बीच हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हैं बात करने के लिए, मिस्टर पवन कुमार गोयनका, उनके साथ नमस्कार कार्यक्रम में स्वागत है। सर इनफैक्ट आप लोगों के लिए शायद ये बजट मिक्स रहा लेकिन जहां चैलेंजेस थे वहां चैलेंजेस और काफी, अगर आप देखें, बढ़ गए हैं, काफी टफ हो गए हैं, स्पेशली आई मीन एसयूवीज, डीजल गाड़ियां, 10 लाख से ऊपर की गाड़ियां। सर एग्जैक्टली क्या यहां पे वाकई स्थिति काफी कठिन हो गई है? पहले तो मैं इसी बात करूंगा, मैं फार्म इक्विपमेंट पर बात में जाऊंगा, मैं एग्रीकल्चर बात पर जाऊंगा, लेकिन क्या पोस्ट बजट वाकई अर्बन इंडिया में और अर्बन मार्केट्स में आपकी स्थिति जो है वो काफी चैलेंजिंग हो गई है? देखिए जो ये गाड़ी के ऊपर जो सेस लगाया गया है 1% to 4%, उस पर हम कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। हमें ओवरऑल स्कीम जो है हमारी टैक्स जो बजट में है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जो ध्यान दिया गया है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो एक 1%, 3%, 4% इंक्रीज जो हुआ है ठीक है, उससे हो सकता है कि शायद कुछ हिस्सों में गाड़ियों की बिक्री की वॉल्यूम कम हो जाए, हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ इस बजट से आएगी जो रूरल सेक्टर में जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अभी, वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो मैं जो गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी, हालांकि ऑफ कोर्स फॉर ऑटो इंडस्ट्री वो सही चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे एक वो बहुत छोटी मामूली बात नज़र आती है ओवरऑल जो बजट को अगर हम देखें तो। जी बिल्कुल। चलिए इस बीच निफ्टी इंट्राडे हाई से 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन मिस्टर गोयनका क्या ये रियलिस्टिक बजट है, खासकर जो डेफिसिट का आंकड़ा दिया गया है, डिसइन्वेस्टमेंट का आंकड़ा जिस तरह से दिया गया है, और इनफैक्ट रामदेव जी ने अभी काफी अहम बात की कि देर आर फ्यू स्टेप्स जो लिए गए हैं इस बजट में जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हो सकते हैं, टू दैट एक्सटेंट फंड रेजिंग में भी दिक्कत होगी, तो आउट ऑफ 5 आप कितने मार्क्स देंगे इस बजट को? आउट ऑफ 5 या मैं 4 मार्क्स दूंगा। 4 out of 5 रामदेव जी आप कितने देंगे? Very good. Except for the one which I talked about capital markets, budget बहुत सुंदर है। So Mr. Goenka, coming back to you, एक तो farm equipments के क्षेत्र के लिए, in fact पूरे rural और agriculture क्षेत्र के लिए काफी कुछ किया गया है। Secondly जो कुछ रिलीफ देने की कोशिश की गई है रूरल बेस को, इससे आप ऑफटेक में क्या सुधार होता देख रहे हैं एज फार एज फार्म इक्विपमेंट्स आर कंसर्न, या फिर कंजम्पशन में सुधार होता देख रहे हैं? एंड सेकेंडली ये जो सेस लगाने की बात है सारी गाड़ियों पर, ये कितना नेगेटिव ऑन द कंजम्पशन साइड साबित हो सकता है कार्स के लिए, क्योंकि छोटी बड़ी बारिंग इलेक्ट्रिक सारी कार्स पर लगाया गया है चाहे वो छोटी हो या बड़ी?
देखिए, जहाँ तक फार्म इनकम का सवाल है, क्लियरली जो इम्फोसिस दी गई है फार्म इनकम पर, उससे इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होगा और उससे जो भी बिजनेस या जो भी प्रोडक्ट्स फार्म से एसोसिएटेड हैं, यानी कि ट्रैक्टर के प्रोडक्ट्स जो हैं, हमारी गाड़ियाँ भी काफ़ी रूरल एरिया में बिकती हैं, तो उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ज़रूरी चीज़ यह है कि हमारी रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ अगर बढ़ती है तो हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ने से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा और उससे ओवरऑल सभी चीज़ों में बिक्री में आगे हम बढ़ेंगे। तो हमें उसी बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इस बस के कारण, अगर सब कुछ इम्प्लीमेंट हो सके तो उस पर सभी बिजनेसेस को मेरे हिसाब से फायदा होगा। हमारे कुछ लोकल जो नेगेटिव्स हैं, दोज आर वेरी लोकल एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी टू कंसर्न अबाउट दोस। जी चलिए, इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ, कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जुड़े हैं बातचीत करने के लिए इस वक्त। सिंह साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बजट स्पीच सुन के सर, शुरुआती 30-35 मिनट में ऐसे लग रहा था कि पूरी स्पीच जो थी वो डेडिकेटेड थी ग्रामीण भारत पे, बड़ा फोकस था वित्त मंत्री का उस पर। एग्जैक्टली आप जो चाहती थी, जो आपकी विश लिस्ट थी सर, वो कितनी पूरी इस बजट में, पहले मैं जानना चाहूंगा। मैं जो चाहता था, मेरी जो उम्मीद थी उससे ज्यादा हुआ है, क्योंकि जो हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके लिए इस 15-16 में लगभग 2700-2800 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसमें आपको 75% की वृद्धि हुई है और 4500 करोड़ रुपए उस राशि को बढ़ाकर की गई है। इसी तरह से जो हमारी सिंचाई की योजना है, ये तो 3 मंत्रालयों के द्वारा होता है, लेकिन मेरे मंत्रालयों से जो लघु सिंचाई की योजनाएं चलती हैं माइक्रो इरिगेशन की, उसके बजट में भी 51% की वृद्धि हुई है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कृषि उन्नति योजना के तहत जो हमारा ई मार्केटिंग या फिर जैविक खेती आदि की योजना है, तो इसमें भी राशि की बढ़ोतरी हुई है। और जो पशुधन है, और पशुधन डेयरी का जो सेक्टर है, इसके बजट में भी 300 करोड़ रुपए की तो वृद्धि हुई है, लेकिन इसके अलावा एक नई योजना संजीवनी, पशुधन के लिए संजीवनी योजना और देशी नस्लों के ब्रीडिंग सुधार के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 850 करोड़ रुपये की का जो बजटीय प्रावधान हुआ है, तो निश्चित रूप से हम इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो खेती है उसमें साइंस टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, जिसका दिखाई देता हूं, गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाएं रखी गई हैं। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में इस बजट में कई अहम कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत निवेश में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। गांव के विकास में बिजली और सड़क, इस महत्व को मैं और आप हम सब जानते हैं। बिल्कुल, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट पर अपनी राय दे रहे थे। मिस्टर राधा मोहन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ रामदेव अग्रवाल जी हैं, शैलेश हरिभक्ति इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही संजय सिन्हा और अजय बग्गा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, लेकिन निपुण मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन रामदेव जी, मैं आपसे एक चीज, आई वॉन्ट टू गो बैक टू द स्टेटमेंट विच यू मेड अर्लियर कि पीई रेशियोज कंप्रेस होंगे, और कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दैट अ बिट, क्या बोल रहे थे आप? या सो डिविडेंड जो है, सर आप जब शेयर खरीदते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, सो व्हाट डू गेट, यू गेट ओनली डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ योर होल्डिंग। सो डिविडेंड इज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन डिटरमिनेशन ऑफ शेयर प्राइस। अब डिविडेंड जो है, आप बोल रहे हैं कि पहले तो आप पोस्ट टैक्स प्रॉफिट करिए, सो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होगा 33%, उसके ऊपर जो आपका जो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट आता है, जब डिविडेंड देते हैं तो आपको 20% आपको 20.5%
is the dividend distribution tax. Okay. Now, then after that, we thought that this dividend distribution tax itself is very high. It should be reduced. It started with 7.5%. वो अब आप बोलते हैं उसके बाद जो है यदि 10 लाख से ऊपर का आपका डिविडेंड है तो उसके ऊपर 10% और टैक्स, तो सरचार्ज मिला के करीब 11.5% होता है. 34.5, 20.5 and then 11.5. आई डोंट नो, दिस इज क्रेजी लेवल ऑफ टैक्स. दुनिया में कहीं नहीं होता है, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में कहीं नहीं हो गए. तो जो तो उससे हुआ क्या अल्टीमेटली जो टैक्स जा रहा था. हेलो कैन यू हियर मी Meet? Yes, of course, sir. Please go ahead. Yeah. So, who decides the dividend? Dividend is decided by the management. And the management gets more than 10 lakhs of rupees in terms of dividend. So, mere ko nahi lagta hai ki it is an incentive for anybody, any management to increase the dividend. Yadi dividend growth nahi aayega, to share price growth ke upar definitely effect padega. To aapka EPS to wahin wahin rahega, lekin चूंकि डिविडेंड आप बढ़ाएंगे नहीं तो उससे पी मल्टीपल भी सफर करेगा. अट्रैक्टिवनेस फॉर कमिंग टू द मार्केट विल कम डाउन बिकॉज यू आर डिस्करेजिंग द डिविडेंड पे आउट. जी, इस बीच हमारे साथ मिस्टर शैलेश हरिभक्ति भी हैं बात करने के लिए. शैलेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है. माफी चाहूंगा आपसे थोड़ा सा देर में बात कर पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में पहले से मौजूद थे. एग्जैक्टली बजट स्पीच को आपने सुना टैक्स प्रोस्पेक्टिव से, और आई थिंक दूसरी चीज जो बड़ी रही वो थी बैंक्स जो चाहते थे शायद उतना पैसा उनको नहीं मिला, लेकिन उसके लिए दूसरे अल्टरनेटिव की बात ही भी की गई है. और तीसरा है एग्रीकल्चर पर, ग्रामीण भारत पर एलोकेशन. तीनों ही प्रोस्पेक्टिव से इस बजट को कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूं कि टैक्सेशन एफर्ट बिल्कुल नहीं जैसी है. 1000 करोड़ डायरेक्ट टैक्स में और 18000 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स में लार्जली सिन टैक्सेस पे हैं, तो उसमें तो कोई ज्यादा बात करने लायक नहीं है. लेकिन जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम आई है वो काफी सक्सेसफुल हो सकती है, बल्कि वो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उनको थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि ऐसी स्कीम आ सकती है. एग्रीकल्चर के लिए इस बजट में इतनी अच्छी योजनाएं की गई हैं कि मैं समझता हूं कि इससे रूरल इनकम जरूर बढ़ेगी. और मैं समझता हूं कि ये दो खराब मानसून के बाद अगर ये अच्छी मानसून आ गई और ये पूरा अगर उछाल आ गया तो मैं समझता हूं कि रूरल इनकम्स बहुत बढ़ सकती है. और तीसरी बात जो है इस बजट की कि इसमें कोई रिफॉर्म की जो प्रक्रिया है उस पर कोई डायरेक्ट चर्चा नहीं हुई, न डिसइन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट चर्चा है, न जीएसटी का रोड मैप है, न बैंक कैपिटलाइजेशन. सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था 25,000 करोड़ रुपये से कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि बैंकों को लगेगा 4 लाख करोड़ रुपया रिकैपिटलाइजेशन के लिए. तो मैं समझता हूँ कि अब लेंडिंग और बोरोइंग के लिए मार्केट फोर्सेस को ही उत्तेजित किया जाना है, और मैं समझता हूँ कि बॉन्ड मार्केट में जो भी नए प्रावधान आएंगे उन्हीं पे सब लोग देखेंगे कि वो अपने फाइनेंसिंग ऑप्शंस कैसे सुधार सकेंगे. जी. तो शैलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. समय की कमी थी इसलिए एक बार फिर से माफी चाहूंगा आपसे. क्रांति जी मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा. आई थिंक मैं अगला प्रश्न जो मेरा है वो बैंकों पर ही केंद्रित रहेगा. एग्जैक्टली बैंक जिस सिचुएशन में है अब यहाँ से कितना डाउनसाइड पॉसिबल आपको इन लेवल से और लग रहा है? आपने आई थिंक रिकैपिटलाइजेशन की अमाउंट भी देख ली, और आई थिंक जो सेकंड अब चीज जो हमारे सामने खड़ी है वो है रेट कट फ्रॉम आरबीआई, उसके कितने चांसेस हैं, और यहां से अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है या फिर डाउनसाइड पोटेंशियल बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा है? तो देखिए इनका सरकार का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में क्या एग्रीमेंट है वो ऐसे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा, क्योंकि क्लियरली दिस इज 25,000 crores मस्ट बी द बेयर मिनिमम डिमांडेड बाई आरबीआई. नाउ आरबीआई आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए उसमें दे आर सेइंग दैट लाइक यूएस एंड अदर कंट्रीज दे वांट आरबीआई इटसेल्फ टू लिवरेज एंड सपोर्ट द कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ द बैंक्स. अभी वो प्लान तो हमको नहीं मालूम क्या होगा, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द बजट. सो एंड देन रेट कट, सो दो भी अस्त्र और बाकी हैं, दोनों आरबीआई के हाथ में है. एक तो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड by RBI itself using their own balance sheet. And second is aapka rate cut. Now rate cut is going to be 0.5%, 1%, but what is the game plan we don't know. So I think in all RBI is in the command of this particular situation,
एंड गवर्नमेंट वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट द आरबीआई टू परफॉर्म आई मीन टू सी दैट दिस ट्रांजिशन हैपेंस एंड बैंक्स आर पुट ऑन टू द साउंड फुटिंग. सो मेरे ख्याल से वो सब्जेक्ट जो है पूरा क्लियर नहीं है बजट में. बिल्कुल. लेकिन रामदेव जी, अगर इस बजट के बाद यहाँ से इस साल के अंत तक का कोई व्यू लेना हो तो 10-15% का रिटर्न, इज इट अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑन द इंडेक्स फ्रॉम हियर? ऑब्वियसली पॉकेट्स में ज्यादा होगा परफॉर्मेंस. नहीं, 10-15% एक अच्छा एस्टिमेट है, एक्सपेक्टेशन 10-15%, क्योंकि लास्ट ईयर में देखिए इंडेक्स था 9000 लास्ट बजट में, इस बार होगा 7000. अभी 7000 से नहीं लगता कि बहुत नीचे जाएगा. अच्छा, इसमें क्या है कि आपका जो ऑयल का भी जो प्ले है, जो लास्ट ईयर से ऊपर कितना जाएगा, 9 से 7 तो हो गया, 7 से 9 होने में कितना टाइम लगेगा? पहली बात तो कि गिरने का कितनी जगह है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा वो, क्योंकि इसमें क्या है आपका मानसून का आ जाएगा, इसमें आपका रेट कट आ जाएगा, ग्लोबल रिकवरी ऑफ द ऑन द बैक ऑफ ऑयल ग्लोबल रिकवरी विल हैपन. सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर गोइंग टू प्ले, हाउ द एफआईज आर गोइंग टू बाय एंड सेल. क्योंकि देखिए आप यदि कंटिन्यूस यदि जिस ढंग से सेलिंग फ्राइडे तक था, यदि वो पेस यदि आज भी चालू रहे और आगे भी चालू रहे, क्योंकि रिडम्पशंस इन द ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स आर वेरी हाई, तो वो एक शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म थोड़ा सा अनसर्टेनिटी दे रहे हैं. सो वी हैव टू फोकस ऑन द बिजनेसेस एंड द कंपनीज, नॉट ऑन द मार्केट्स दैट मच. राइट, बिल्कुल. चलिए रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस. हमारे साथ पवन गोयनका.